हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही इजी। चलिए बनाते हैं। तो पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ एक मसाले से, जिसमें एक टेबलस्पून धनिया, एक टेबलस्पून पेपरकॉर्न, दो से तीन ड्राई रेड चिली, 1.5 टेबलस्पून जीरा और 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है मैंने। इसे ड्राई रोस्ट करना है जब तक ये ब्राउन हो जाए और इस मसाले की खुशबू आने लग जाए। जब ये अच्छे से रोस्ट होगा तो इसकी निशानी है ये ब्राउन हो जाएगा और थोड़ा पॉप करने लगेगा, यानी कि फटने लगेगा। जब मसाला अच्छे से ब्राउन हो जाए जैसे कि अभी, तो इसे ग्राइंड करेंगे, पर इसे फाइन पाउडर में नहीं, थोड़ा ग्राइंड करना जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मसाला बनाने के बाद अब हम पनीर ग्रेवी बनाएंगे। मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, उसमें जीरा डाला है, ये एक टेबलस्पून जीरा है, 3 से 4 फाइनली चॉप्ड अनियन डाले हैं, थोड़ा सा तेल और डाला है मैंने। आप देख सकते हैं अगर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। मैं ऑयल पहले कम ही डालती हूँ। फिर मैंने इसमें जिंजर डाली है, 1 टेबलस्पून या 1.5 इंच के तकरीबन डाली है। तेल मैंने रुक रुक कर इसलिए डाला है क्योंकि मैं पहले कम ऑयल डालती हूँ, नॉनस्टिक में ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। फिर मैंने 1.5 कप टमेटो प्योरे लिया है और उसे इसमें डाल दिया है। इसे तब तक पकने देना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मैंने इसमें लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाला है, इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस मसाले को अच्छे से पकने देना है। इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से ढककर पकने देंगे। इसमें आपका ऑयल भी सेपरेट होता दिखेगा और जो रंग है इस मसाले का वो बदलता दिखेगा। ये अच्छे से भुन जाएगा ये मसाला और ये अच्छा फ्लेवर भी देगा। मसाले को अच्छे से पकने के बाद लिड हटाकर ज़रूर देखिए बीच में कि मसाला कहीं चिपक तो नहीं गया है, अगर हम नॉनस्टिक नहीं यूज़ कर रहे हैं तो। मसाला कुक हो जाए अच्छे से, देन एक अलग तरफ इसे रख दीजिए। एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल लीजिए, इसमें डालिए अनियंस जो पेटल की तरह काटे हुए हैं और सेम पेटल्स की तरह ही काटी हुई है कैप्सिकम और लंबे पतले काटे हुए हैं टमाटर। कढ़ाई पनीर में ये तीनों सब्जियां साथ डलती हैं। ये हल्का सा भुना जाता है, सौते किया जाता है, सिर्फ सौते करना है जिससे कि थोड़े गल जाएँ, यानी कि सॉफ्ट हो जाएँ। जब आपकी सब्जियां अच्छे से गल जाएं, यानी कि सॉफ्ट हो जाएं, तब इसमें आप फ्राइड पनीर डाल सकते हैं। मैंने इन्हें एयर फ्राई किया, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। 500 ग्राम पनीर लिया है मैंने, उसे अच्छे से इसमें मिक्स किया है। इसी के साथ मैंने इसमें जो ड्राई रोस्ट मसाला बनाया था वो डाल दिया है और इसे लाइट हैंड से मिक्स किया है। इसी में मैंने टमेटो ग्रेवी जो बनाई थी वो डाल दी है, उसे भी लाइट हैंड से मिक्स करेंगे जिससे कि पनीर टूटे ना। और साथ ही जब आप ये मिक्स कर लें तो मैंने इसमें फ्रेश मलाई डाली है 1 टेबलस्पून और 1/2 कप पानी डाला है। आप चाहें तो क्रीम भी रिप्लेस कर सकते हैं मलाई की जगह, दोनों बेस्ट फिट रहते हैं इसके लिए, स्वाद भी अच्छा आता है। इस स्टेप पे अगर आपको सॉल्ट कम लगता है तो ज़रूर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर एकदम तैयार है टू सर्व। गर्मा गर्म सर्व कीजिए, फ्रेश क्रीम ऊपर से आप टॉप कर सकते हैं टू एनहांस द टेस्ट। इन्जॉय। अगर आपको भी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड टेक केयर। बाय बाय।